देख लिया, देख भगवान कसम हमने नहीं देखा, हमने अभी तक नहीं देखा, इन्होंने नहीं देखा। अरे हमने किसकी कसम खाऊं? अब मुझे ऐसा लगता है मुझे कसम खा के ही प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं, और वाकई में हमें एक्चुअली देखना भी नहीं था। किसी बिरयानी की? मीडिया की कसम मैंने गाना नहीं देखा अभी तक। एक्चुअली हमें देखना भी नहीं था, क्योंकि हम भी चाहते थे कि सब जब देखेंगे हम भी साथ में पहली बार उसे व्यू करें। जी बिल्कुल, एक्चुअली गाना भी इमोशनल है और ये प्रोजेक्ट हम सब जो जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट से वो बहुत ही पैशन की वजह से जुड़े हैं। सो इमोशनल रियल में भी है और ऑन स्क्रीन भी इमोशनल कहानी है। एक्सपीरियंस एक्चुअली मेरे लिए ना इस बार एज अ एक्टर स्लैश प्रोड्यूसर रहा है, क्योंकि ये इस लेबल से फील गुड ओरिजिनल म्यूजिक लेबल से मैं एज अ प्रोड्यूसर अपने शौहर करण शर्मा के साथ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। Absolutely. हम ये गाना जिक्र तेरा हमारा पहला गाना है एंड तो एक्टर स्लैश प्रोड्यूसर थी मैं, परफॉर्म भी करना था साथ में, सारी प्रोडक्शन की ड्यूटीज़ भी निभानी थी और इमोशनल कैरेक्टर है लाइक यू सेड वेरी राइटली सेड के इमोशन से भरा है और जब लोग देखेंगे ना पता चलेगा कि लड़की सुन और बोल नहीं सकती है, शी इज़ डेफ एंड म्यूट। सो बहुत स्पेशल है गाना हमारे लिए एंड हमने श्रीनगर में शूट किया इसे। Yes. श्रीनगर की गर्मी में, श्रीनगर दूध पत्री खूबसूरत है जगह और मैं कहना चाहूँगा कि एज एन एक्ट्रेस तो ये बहुत ही लाजवाब है पर एज अ प्रोड्यूसर भी बहुत ही लाजवाब है। भगवान करे सब आपके साथ काम करे और सबको आप जैसा प्रोड्यूसर मिले। वाह, हाउ नाइस, थैंक यू। गाने का नाम जिक्र तेरा। जिक्र तेरा है तो आप दोनों की लाइफ में से कौन है इसका जिक्र करते हो आप सकते नहीं? मैं अपनी धर्मपत्नी भारती और ये अपने शौहर। वो तो ऑब्वियसली बात है, उनके अलावा कोई ऐसा इंसान? फॉर मी माय डैड यार, उनका मैं नाम लेके कभी नहीं थक सकता हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज जहाँ हूँ वहाँ हूँ, बिकॉज उन्होंने ही मुझे इंकरेज किया था एक्टर बनने के लिए। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया जब बहुत डाउट्स थे, तो डैड एंड मॉम ऑफ कोर्स। मेरे लिए यार आज मैं जहाँ तक पहुँची हूँ और जो भी मैंने अचीव किया आई थिंक इज बिकॉज ऑफ माई फैंस और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब शुरुआत की थी मुझे नहीं पता था कि इतनी हमारा फैंडम बन जाएगा, लोग हमें इतना प्यार करेंगे एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं। ये सब मीडिया वालों का प्यार है, फैंस का प्यार है। आई थिंक जिक्र तेरा करें, जिक्र तेरा का जिक्र करें। उन्होंने कहा है कि टीवी इंडस्ट्री ने मुझे सपोर्ट किया तो ये ट्रॉफी टीवी इंडस्ट्री। अरे वाह, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, दैट्स अ वेरी गुड थॉट एंड बिग कांग्रेचुलेशंस टू हर एज वेल। जैसे हमने अपनी प्री शूट भी की थी, प्री वेडिंग शूट भी की थी, उसमें भी थोड़ा सा वो झलक था। दिल्ली जाके हमने वो थोड़ा पाकिस्तानी वाइब शूट किया था। आई डोंट नो, वी जस्ट वेरी फैसिनेटेड बाय इट और वही हमने कोशिश की है कि हम कश्मीर में जाके, श्रीनगर जाके उसी चीज़ को, कपड़े भी हमने वैसे पहने, बड़ी कश्मीरी पाकिस्तानी टाइप के आउटफिट्स हैं। सो वो हमने कुछ करने की कोशिश की। आई थिंक वो नथ वर्थ पहन के वो लुक, आई डोंट नो, इट्स जस्ट दैट द होल पाकिस्तानी ड्रामा जस्ट किरदार निभाना बहुत चैलेंजिंग था। आई थिंक हम सब ने अपने अपने किरदारों के लिए बहुत होमवर्क भी किया है, बैठे कई बार मिले, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, हर एक लेयर लाइक एन अनियन उसको जोड़ा है, उसको बनाया है एंड मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मेरे कुछ ऐसे ड्रीम कैरेक्टर्स होते हैं ना कि कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई कैरेक्टर निभाने का मौका मिल जाए एंड दिस इज़ वन ऑफ देम एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू करण फॉर राइटिंग सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड सुरभि फॉर प्रोड्यूसिंग सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड बीइंग सच अ ब्यूटीफुल को एक्ट्रेस एंड ये कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है तो
मैंने बहुत दिल और जान से इसको निभाया है एंड आई होप ये ट्रांसलेट हो एंड आई होप ऑडियंस को भी बहुत पसंद आए. यस हां जी आइए आइए हमारे स्टार बगैर जो एक्टर खुद है. द टू ऑफ यू आर लुकिंग फैंटास्टिक. यू सॉ द वीडियो. आई सॉ द टीजर. टीजर आई एम हियर. Yeah, I know. She, I was actually around the corner only. Okay. So I thought I'll drop in quickly. And we've actually got some people coming over at the show. Yes. अच्छा देखा आपने? गाना देखना है. गाना देखने के बाद. हाँ. No, I'm very impressed. I'm very very impressed by the teaser. And they two are, them two are looking fantastic. Yeah. They are just too kind. Such a dream. No, honestly, the shots, they are very cinematic. I should be addressing them. Yes. The shots are very cinematic. They look like it looks like a high budget film. और ये दोनों तो मतलब इनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी सॉलिड है. I'm a big fan यार. मतलब आज तुम दोनों को देखा ना मैंने उस लाइट में, क्योंकि टीवी में हमने देखा है ऑब्वियसली इन दोनों को जलवे बिखेरते हुए. नो बट आई ऑलवेज इंजॉय बोथ ऑफ यू इन इश्कबाज ऑल्सो. जो तुम्हारी वो गिव एंड टेक होता था, देयर वाज अ लॉट ऑफ फन. बट सीइंग यू इन अ डिफरेंट स्पेस, इन अ वेरी सिनेमैटिक स्पेस, आई थॉट द टू गुड लुकिंग पीपल विद हु नो हाउ टू परफॉर्म, व्हाट एल्स कुड बी यार, इट्स अ ड्रीम टू राइज. सो योर सो द नेक्स्ट सॉन्ग बाय फील गुड ओरिजिनल्स, आर वी सीइंग विवेक भैया इन इट? Yeah, if the producer is kind enough, you never know. I think producer will be stoked. I swear. Or choked. Oh, no, stoked. Amazing. I'm very sure it's stoked. But cool, cool. Yes. All right. Thank you. Yeah. 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 Stay. गर्मी बता दे. मैं जब स्टार्टिंग में भी शेयर कर रहा था, मैं बहुत एक्साइटेड था कश्मीर को लेकर, क्योंकि मैं कभी कश्मीर जाने का मेरा मौका नहीं हुआ. और जब वहाँ पहुँचा और गर्मी थी, पर उससे ज़्यादा मुझे जो सुंदरता थी कश्मीर की, वो इट वॉज सो ओवरवेलमिंग एंड इट वॉज सो ओवरपावरिंग के ऐसा लगा यार सच में जो कहते हैं ना कि अगर दुनिया में जन्नत है तो वो कश्मीर है, और वाकई में जो जन्नत है वो कश्मीर है. एंड प्लस हमारी टीम इतनी क्लोजनेट थी कि ऐसे लग रहा था कि फैमिली मेम्बर्स ही हैं साथ में मिलजुल के. बहुत ही प्यारे तरीके से ये पूरा एग्जीक्यूट हुआ है. तो मेमोरीज अगर आप एक पूछेंगे तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. आई थिंक एवरी स्टेप वॉज अ मेमोरी, फ्रॉम द एयरपोर्ट टू कमिंग बैक टू मुंबई एयरपोर्ट. एक्चुअली किसी ने इमेजिन नहीं किया था ना कि हम दोनों एक प्रोजेक्ट में साथ में आएंगे, एंड वो हो गया. ना इन्होंने इमेजिन किया था, मैंने हमारे जहन में हमेशा से था मेरा एक सीक्रेट डिजायर था एंड शी नोज इट. मैं हमेशा कहता था कि सुबह एक दिन और मैं ऑपोजिट स्क्रीन शेयर करेंगे, और हो गया. और ये हुआ. एंड करण ने कुणाल को बताया मैं ऐसा ऐसा गाना प्रोड्यूस करने का सोच रहा हूँ, सुरभि फीचर करेगी. कुणाल ने भाई तू बाहर क्यों देख रहा है, मैं हूँ ना इधर, तू बाहर कहीं मत देख, मैं ही करूँगा. And I think his passion totally, you know, I think I was so inspired by it. Yeah. मेरा पति एक्टर नहीं है. मैं उसको एक्टर नहीं लूँगी. वो प्रोड्यूसर ही ठीक है. नहीं पर इनका जो पहला प्रोजेक्ट था, जो वेडिंग का भी जो गाना था वेडिंग के अराउंड, कहानी सुनो, वाज हर एंड करण. बट आई थिंक वो लोग पूछ रहे हैं कि जैसे जिक्र दे रहा हुआ है वैसे. टीवी तो चलो ठीक है, पर आप वेब क्यों नहीं पूछते कि आप वेब पे कब दिखेंगे, पिक्चरों में कब दिखेंगे? Yeah, that's what I like. बस आप लोग सब साथ दो एंड बेस्ट विशेस दो, जल्दी हम वेब बॉलीवुड हॉलीवुड सब जगह. अरे व्हाई नॉट, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, दैट्स राइट. ये ड्रीम किया तभी साथ है. अच्छी चल रही है, पति घर में बीमार है लेकिन दोस्त के लिए आना था. मैम, जी सर.
सब रियल होता है
बेस्ट टू लक्ष्मी, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। साथ में काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो है, बहुत अच्छा शो है। इस बार कौन बाजी मारे गए आप? कोई भी मार सकता है। इट्स अबाउट दैट, उस मोमेंट में जो आदमी यू नो जो भी अपने एफर्ट से अपने 100% से थोड़ा सा ऊपर देगा। रश्मि जी, रश्मि जी यहाँ पे देखिए, मैम यहाँ पे देखिए, रश्मि जी सेंटर लो, रश्मि जी सारा के पिक्चर पे क्या कहना चाहोगी? सलाम अकबर की विक्ट्री पे क्या कहना चाहूँगी? उसने टीवी इंडस्ट्री को यू नो ट्रॉफी क्या है कहने की, सना इज अ डार्लिंग स्वीट हार्ट। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था दैट शी सो ब्रेव एंड करेजियस टू बी पार्ट ऑफ द शो। यू रियली नीड टू हैव लॉट ऑफ गट्स। ऑफकोर्स कोई क्रिमिनल माइंड नहीं आता, बट हर कोई अपनी खेल खेलता है, इसके लिए उस शो का हिस्सा होता है। एंड आई मस्ट से दैट शी हैज डन द बेस्ट थिंग फॉर हर, जो वो कर सकती थी, एंड शी वॉज नॉट अवेयर दैट उसके हाथ में ट्रॉफी आएगी। शी इज सो क्यूट, शी इज अ डॉल, शी इज अ स्वीट हार्ट, ये सब कोई जानते हैं। वो आई थिंक जितने भी उसे जानते हैं सब यही बोलेंगे, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हर एंड फॉर हर अचीवमेंट। आपसे बात हुआ आपका जब जीते ट्रॉफी, थोड़ा फिर बात हुआ उनसे? हाँ, अभी मैं फोन का चैट भी नहीं खाऊंगी थोड़ी देर में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।